आज हम आपको श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए नित्य लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वो विश्व लोक में गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत सत्य से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़ी प्यास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पूर्ण देने वाला, आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला और सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने, साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, यह व्रत करने वाले के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। सुंदर नगर काशीपुरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पर विचरण करता था। एक दिन भगवान एक ब्राह्मण के रूप में तैयार हुए और उनके पास गए और पूछा, हे विप्र, तुम धरती पर सदा उदास क्यों घूमते हो। बेचारा ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। भगवान, अगर आपको इसका कोई उपाय पता है तो मुझे बताएं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि, हे भगवान, अगर आपको इसका कोई उपाय पता है तो मुझे बताएं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि भगवान सत्यनारायण ही पंचाहा फल देने वाले, इसलिए उनकी पूजा करो, ऐसा करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए भगवान सत्यनारायण उस गरीब ब्राह्मण को व्रत के सारे नियम बताकर गायब हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं यह व्रत अवश्य करूंगा जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बताया है। यह फैसला लेने के बाद उन्हें रात को नींद नहीं आई।
वह सुबह जल्दी उठे और भगवान सत्यनारायण का व्रत तय कर भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन बेचारे ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत पैसा मिला, जिससे उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का समापन किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूरा करने के बाद बेचारा ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और कई प्रकार के गुणों से संपन्न हो गया। तभी से यह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को रखने लगा। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर सूत जी ने कहा कि इस तरह मैंने नारायण जी द्वारा नारद जी को बताए गए श्री सत्यनारायण व्रत को बताया। हे ऋषि, दुनिया में उस विप्र से सुनकर और जिसने भी यह व्रत किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, उन सभी की सुने जिन्होंने व्रत किया है। एक समय वही विप्र अपने भाइयों और बहनों के साथ धन और ऐश्वर्य के अनुसार इस व्रत को करने के लिए सहमत हुए। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आया और लकड़ी को बाहर रख कर ब्राह्मण के घर में चला गया। उन्हें उपवास करते देख लकड़हारे ने प्यास से दुखी होकर विप्र का अभिवादन किया और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो और करने का क्या फल होगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि यह सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाकर अपने घर चले गए। लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा, उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का सर्वोत्तम व्रत करूंगा। यह विचार मन में लेकर बूढ़ा अपने सिर पर लकड़ियां बेचने के लिए उस शहर में गया, जहां अमीर लोग अधिक रहते थे। उस शहर में उसे अपनी लकड़ी की कीमत पहले से 4 गुना ज्यादा मिली। बूढ़े ने खुशी खुशी केला, चीनी, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा कीमत पर लिया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य वस्तुओं के साथ अपने घर चले गए। वहां उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को बुलाया और भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा की और उपवास किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि के साथ संसार के सभी सुखों का भोग करने के लिए अंत में बैकुंठ धाम चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली की।